हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग स्टोरी चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त स्मित प्रजापति और आज आपको बताने जा रहा हूं महाभारत काल के सबसे वीर और चर्चित धनुर्धर अर्जुन को मिले अभिशाप के बारे में। यह उस समय की बात है जब पांडव 12 सालों के लिए वनवास में गए थे। उस समय पांडव वन में विचरण करते करते ऋषि वेदव्यास जी के आश्रम में जा पहुँचे और अपनी सारी तकलीफों और द्युत में सब कुछ हारने के बारे में बताया था। उस समय वेदव्यास तो सब कुछ जानते ही थे क्योंकि वह तो त्रिकाल ज्ञानी थे। उस समय उनको यह पता था कि महाभारत जैसा एक भीषण युद्ध भी होने वाला है। इसी वजह से उन्होंने पांडवों को दिव्य अस्त्र की खोज करने को कहा था क्योंकि कौरवों के ओर से भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा जैसे महान योद्धा युद्ध करने वाले थे और बिना ऐसे दिव्य अस्त्रों के पांडव युद्ध कभी भी जीत नहीं पाते। उस समय युधिष्ठिर ने वेदव्यास जी से पूछा कि हम यह दिव्यास्त्र कैसे प्राप्त कर सकते हैं और तब उन्होंने कहा कि सिर्फ अर्जुन ही कड़ी तपस्या कर इस दिव्यास्त्रों को प्राप्त कर सकता है, इसलिए अर्जुन को कड़ी तपस्या करनी होगी जिससे देवता प्रसन्न हो और उन्हें दिव्यास्त्र दे। वेदव्यास जी के रास्ते पर चलते हुए अर्जुन तपस्या करने के लिए चल दिए। उत्तराखंड के पर्वतों से होते हुए वह बहुत ही खूबसूरत जंगलों में जा पहुँचे थे। वहीं शांत वातावरण में बैठकर उन्होंने शिवजी की तपस्या करने लगे थे। उस समय शिवजी अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए एक भील का वेश धारण कर पहुँचे थे। वहां पर एक दैत्य अर्जुन को मारने के लिए घात लगाए हुए बैठा था। उस समय भील के रूप में शिवजी ने उस पर प्रहार किया जिससे अर्जुन की तपश्चर्या भंग हो गई और उसने भी अपने गांडीव से उस दैत्य पर वार किया था। लेकिन उस समय भील के रूप में भगवान शिव जी का और अर्जुन का बाण दैत्य को एक साथ ही लग गया और बाद में भील और अर्जुन में भी बहस छिड़ गई थी कि दैत्य को किसने मारा। और उस समय काफ़ी बहस के बाद अर्जुन और भील के बीच एक युद्ध हो गया। उस समय काफ़ी प्रहार अर्जुन के द्वारा किए जाने पर भी वह तीर भील को लगते ही टूट जाते और इसी से परेशान होकर अर्जुन ने भगवान शिव जी को माला पहनाने के लिए तीर फेंका था। उस समय हार मूर्ति की जगह भील के गले में जाकर गिर गया। इसके बाद अर्जुन ने भगवान शिव को पहचान लिया और उनसे माफ़ी भी मांगी और उसके आशीर्वाद में भगवान शिव ने अर्जुन को पशुपति अस्त्र भी दिया था। उसके बाद यम, कुबेर, वरुण, गंधर्व ने भी अर्जुन को दिव्य अस्त्र दिए थे। अर्जुन उसके बाद देवराज इंद्र के पास दिव्य अस्त्र मांगने स्वर्ग पहुँचे थे। वह इंद्र के निवास स्थान अमरावती में पहुँचे जहाँ उन्होंने सभी दिव्य अस्त्र को चलाने की सीख भी प्राप्त की थी। उसके बाद इंद्र ने चित्रसेन नामक गंधर्व से अर्जुन को नृत्य और संगीत सीखने को कहा था। तब एक दिन अर्जुन चित्रसेन से नृत्य सीख रहे थे तभी वहां इंद्र की अप्सरा उर्वशी जा पहुंची और अर्जुन की सुंदरता को देखकर मोहित हो गई। अवसर मिलते ही उर्वशी ने अर्जुन से जाकर बोला कि आपको देखकर मेरी काम वासना जाग उठी है, अतः कृपा कर मेरे साथ विहार करें और मेरी काम वासना को शांत कीजिए। इस पर अर्जुन ने कहा कि देवी, आप हमारी माता के समान है क्योंकि हमारे पूर्वज ने आपसे विवाह कर हमारे कुरुवंश का गौरव बढ़ाया था। आप कुरुवंश की जननी है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अर्जुन की इस बात को सुनकर उर्वशी के मन में क्षोभ हुआ था और गुस्से में आकर अर्जुन को नपुंसक होने का श्राप दे दिया। श्राप देते हुए उसने कहा कि तुमने नपुंसकों जैसी बात की है, अतः मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम एक वर्ष के लिए पुंसत्वहीन ही रहोगे। और फिर उर्वशी वहाँ से चली गई। जब देवराज इंद्र को अर्जुन के नपुंसक होने के श्राप के बारे में पता चला तो उन्होंने अर्जुन से कहा कि वत्स, तुमने जैसा व्यवहार किया है वह तुम्हारे स्वभाव के लिए योग्य था। उर्वशी का श्राप भी भगवान की इच्छा ही थी। यह सब तुम्हें अज्ञातवास के दौरान काम आएगा। अपने एक वर्ष के अज्ञातवास के दिनों में तुम पुंसत्वहीन ही रहोगे और अज्ञातवास पूरा होते ही तुम्हें दोबारा पुंसत्व प्राप्त हो जाएगा। उर्वशी के नपुंसक होने के श्राप के कारण अर्जुन एक वर्ष तक बृहन्नला के रूप में विराट राजा के नगर में उसकी पुत्री उत्तरा को नृत्य और संगीत सिखाता रहा था, जिसके बाद उत्तरा का विवाह अभिमन्यु से भी हुआ था। तो दोस्तों, बृहन्नला का यह किस्सा यानी कि अर्जुन को मिले श्राप का यह किस्सा आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक और शेयर करना ना भूलें। नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।